क्रिकेटेड फिट कॉरिडोर जो ईस्टर्न विंग है वो उसके कार्य प्रगत पे है, और कुर्जा से दादरी और लगभग पूरी विंग पे काम शुरू हो चुका है। सारा जो लैंड का पजेशन है उनमें भुगतान करते हुए उनका पजेशन ट्रांसफ़र कर दिया गया DFCCIL को। इसमें एक आध स्ट्रक्चर ऐसे बचे हुए थे जिसके संबंध में थोड़ा बहुत विवाद था या उस पर स्थानीय लोगों का रेजिस्टेंस था, क्योंकि उनको वहाँ से शिफ्ट करना था, तो वो उसका समाधान कर दिया गया है। इसमें समसपुर का है और जंक्शन स्टेशन का है, खुर्जा के पास का। छोटी मोटी समस्याएं उसमें आती रहती है, चूँकि स्ट्रक्चर को हटाने के लिए और तमाम सारे लोगों का पुराना वहाँ पर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है, तो उसमें कुछ का भुगतान तो हो गया है, लेकिन कुछ जैसे जिसमें ग्राम समाज के बने हुए थे उनके ग्राम समाज का भुगतान दिए नहीं है उनको, इसको लेकर विरोध कर रहे थे, तो उसको समझा दिया गया है और कोई व्यवधान आज की डेट में नहीं है। रेलवे के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर जो यहाँ कुछ दिक्कतें थी यहाँ के किसानों की, करीब 27 गांव के लोग यहाँ प्रभावित हैं। सभी की मांग ये है कि एक समान अगर मुआवजा मिले, क्योंकि जो बाकी जो आसपास के गांव हैं वहाँ मुआवजे में कुछ अंतर हैं, जिसकी वजह से मदनपुर गांव में 27 गांव के जो लोग हैं यहाँ ये धरना काफ़ी लंबे समय से दे रहे हैं। इनका हालांकि इतना ये ज़रूर आश्वस्त ये प्रशासन को कर रहे हैं, सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि अगर एक समान मुआवजा दिया जाए जिस हक की लड़ाई के लिए ये लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से कोई भी अड़ंगा सरकार के किसी भी विकास के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।